हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ गाजर के पकोड़े। बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं और बहुत ही मज़ेदार। तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके घंटी के आइकॉन को टैप करें। इसे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन तुरंत मिलते हैं। आपका स्वागत और इस्तकबाल है मॉम्स फूड डायरी में। तो आज हमने यहाँ पे देखे ये जो सारी सारी सामग्री है, तो मैं आपको एक एक करके भी सब बताऊँगा। तो यहाँ पे देखिए, हमने जो सामग्री ली है, तो आज हम बना रहे हैं गाजर के पकौड़े। तो गाजर हमने 250 ग्राम लिए हैं, दो बड़े से प्याज, 8 हरी मिर्च, थोड़े से हरा धनिया, नमक स्वाद अनुसार, ये बेसन है 150 ग्राम, चावल का आटा 50 ग्राम, 1 टेबल स्पून अदरक किसा हुआ, 1 टेबल स्पून अजवाइन और आधा टीस्पून हल्दी। यहाँ पर इस तरीके से हम इसको लंबा कट कर लेंगे। जो हमने गाजर लिया है, हमने 250 ग्राम गाजर को लंबा कट कर लिया है और इसको एक बड़े से प्लेट में ऐड कर दिया है, शामिल कर दिया। और यहाँ पे हम हमारे सारे सब चीज़ें मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हमने जो प्याज लिए है, हमने प्याज को भी मोटा कट किया, यानी कि बड़ा कट किया है, क्योंकि ये जो पकोड़े में खाने के बाद बहुत ही मज़ा आता है। तो ये हमने प्याज भी इसमें चॉप करके डाल दी है। तो ज़रूर ध्यान में रखिएगा, प्याज को हमने बड़ा यानी कि मोटा कट किया है। ठीक उसी तरीके से हमने यहाँ पे देखिए हरी मिर्च को जो जैसा है, हमने उसके अंदर से बीज निकाल लिया। यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमने बीज निकाल लिए हैं। उसके बाद उसको लंबा कट करके इसमें ऐड करेंगे, ताकि हमने इसमें तीखापन थोड़ा कम किया है। इसमें अगर आप उसके बीज भी डालते हैं तो बहुत ही ज़्यादा तीखा हो जाता है ये। तो हमने तीखापन कम रखने के लिए उसके बीज निकाल के उसको ऐड किया। और अब हम डालेंगे इसमें अजवाइन, हमने नमक डाल दिया है इसमें। उसके बाद डालेंगे हल्दी, हमने 1/2 टीस्पून हल्दी यूज़ किया है और 1 टेबल स्पून अजवाइन इसमें डाला है। इसमें अजवाइन यानी कि कैरावे सीड्स। और यहाँ पे हमने जो यहाँ पे हमने जो कोथमीर होती है, यानी कि जो हरा धनिया होता है, उसको चॉप करके डाला है। तो ये हमारी सामग्री हमने ऐड करने के बाद उसको मिक्स करते जाएंगे। उससे पहले हम यहाँ पे देखिए एक जिंजर यानी कि अदरक के जो पीस को 1 टेबल स्पून हमने कद्दूकस करके इसमें ऐड कर किया है। तो ये अदरक हमने ऐड किया है, इसको मिक्स करेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करते हुए हम इसको मिक्स करते जाएंगे। एक बार चीज़ें अच्छी मिक्स होने के बाद हम उसमें ऐड करेंगे जो हमने चावल का आटा और बेसन लिया है, वो ऐड करके उसको फाइनल तैयारी करेंगे उसकी। तो हम थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको ये चीज़ों को भिगो के मिक्स करेंगे थोड़ा सा। अब हम डालेंगे इसमें चावल का आटा। तो हमने चावल का आटा इसमें लिया है 50 ग्राम, यानी कि 50 ग्राम। चावल का आटा डालने से ये बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं और जो हमने पीसेस बड़े रखे हैं इसे, और बहुत ही ज़बरदस्त स्नैक बन जाता है ये पकौड़े का। तो आज हम बना रहे हैं गाजर के पकौड़े। अब हमने ऐड किया है इसमें चने का आटा, यानी कि बेसन। बेसन हमने शुरू में 100 ग्राम ऐड करके मिक्स करना शुरू कर दिया। अब हम पानी के साथ साथ इसको मिक्स करते जाएं। तो यहाँ पे देखें, जैसे मैं आपको बता रहा था, हमने 100 ग्राम शुरू में यूज़ किया था और अभी हमने 50 ग्राम बेसन यूज़ किया है। मतलब टोटली इसमें क्वांटिटी लगी है 150 ग्राम। और थोड़ा पानी ऐड करते हुए हम इसको मिक्स करते जाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपने थोड़ा पानी ज़्यादा ऐड कर दिया, तो आप उसको बैलेंस करने के लिए चावल का आटा या बेसन इसमें और थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारे बन रहे हैं गाजर के पकोड़े, बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार। ये आप नाश्ते में भी बना सकते हैं संडे या सैटरडे को, या एज ए इवनिंग स्नैक भी बना सकते हैं चाय के साथ। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी होते हैं ये। तो उसको अच्छी तरीके से तैयार होने के बाद हम इसको तलना शुरू कर देंगे। यहाँ पे देखिए, जैसे आपके हिसाब से, आप इसमें और थोड़ा सा हमने और 1 टेबल स्पून चावल का आटा ऐड कर दिया इसमें। इसको मिक्स करेंगे और कढ़ाई को हमने तेल ऐड करके गरम करने रख दिया है। यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे और हमारी कढ़ाई में ऐड करेंगे। दोस्तों यहाँ पे तेल को कम्प्लीटली गर्म होने के बाद ही और पूरी आंच पे ही आपको ये जो पकोड़े हैं कढ़ाई में ऐड करने हैं। और शुरू के जो 30 सेकेंड है उसमें आपको पलटाना है उसको, और उसके दो बार ऐसे पलटाना है। उसके बाद आपको कम्प्लीटली पलटाते हुए ही उसको फ्राई करना है। इससे क्या होता है, ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं और ये ज़्यादा काले या जलते नहीं है। और एक ज़रूरी बात ये आपको ये ध्यान में रखनी है कि 2 बार 30 सेकंड के बाद आपको पलटाने के बाद आपको आँच को थोड़ा कम यानी कि मीडियम फ्लेम पे, हाई मीडियम पे आपको रखना होगा। उसके बाद आप उसको कम्प्लीटली एंड तक फ्राई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए फ्राई हो रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। शुरू के 30 सेकेंड आप उसको पलटाएंगे पूरी आंच पे, और एक बार फिर से 30 सेकेंड के बाद पलटाएंगे। लेकिन 1 मिनट होने के बाद आप आंच को फुल से मीडियम हाई मीडियम पे करेंगे, और उसके बाद उसको एंड तक पलटाते हुए ही फ्राई करते जाएंगे। इससे क्या होता है, वो जलेंगे नहीं और
बहुत ही अच्छे क्रिस्पी बन जाएंगे। यहाँ पे देखिए ये तैयार हो चुके हैं हमारे गाजर के पकोड़े, यानी कि कैरेट के पकोड़े या कि इंडियन फ्रिटर्स, बिल्कुल ही तैयार है। इसको आप चाय के साथ या नाश्ते के साथ परोस सकते हैं। इसको ज़रूर बनाइएगा, हमें नीचे कमेंट्स में बताइए आपको कैसी लगी है। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, क्रिस्पी बनते हैं। जो हमने क्वांटिटी बताई उसी के हिसाब से आप यूज़ कीजिएगा। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और हमें आपके सजेशंस नीचे बताते रहें कमेंट्स के सेक्शन के थ्रू। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।